गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास थर्ड. दिस इज़ योर EVS लेक्चर. टुडे वी रीड लेसन 12, आवर हाउसेज. कल हमने परमानेंट हाउस के बारे में पढ़ा था, आज हम टेम्परेरी हाउस के बारे में पढ़ेंगे. टेम्परेरी हाउस, द हाउस इज मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक मड, बैम्बूज, वुड, स्ट्रॉ, ग्रास एक्सेट्रा आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउस. टेम्परेरी हाउस क्या होते हैं कि किस चीज़ से बनते हैं? ये उस मटेरियल से बनते हैं, सामान से बनते हैं, जैसे कि मड मिट्टी, बांस, लकड़ी, स्ट्रॉ या फिर घास. इन चीज़ों से, मटेरियल से बने हुए हाउस को क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस. दे आर आल्सो नोन एज कच्चा हाउस. इसको कच्चा हाउस भी बोलते हैं. द कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ दीज टाइप ऑफ हाउसेज आर चीप एंड ईजीली अवेलेबल. कि इस तरह का जो घर होता है उसके निर्माण के लिए जितना भी सामान होता है वो हमारे को क्या करता है, एक तो बहुत चीप होता है, सस्ता होता है और बहुत ही ईजीली मिल जाता है हमारे को. टेम्परेरी हाउस आर द डिफरेंट काइंड. ये अलग अलग तरह के होते हैं. सबसे पहले क्या है? कार्वेंस. कार्वेंस क्या होते हैं? अ कार्वेंस इज अ हाउस ऑन व्हील्स. ये किस पर बना होता है? व्हील्स पर बना होता है. इट कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस घर को लेके जाया जा सकता है. गिप्पीज एंड पीपल हु वर्क इन द सर्कस यूजली लिव इन देयर हाउसेस. इस तरह के हाउस में कौन से लोग रहते हैं? जो सर्कस में काम करते हैं या फिर वो लोग जो गिप्पीज होते हैं वो इस तरह के घर को यूज करते हैं. हाउस बोट. हाउस बोट के नाम से ही आपको पता लगता है कि ये हाउस कहाँ बना होता है? बोट पे. अ हाउस मेड ऑन अ बोट इज कॉल्ड हाउस बोट. इस तरह का घर एक बोट पर बना हुआ होता है जिसे हम हाउस बोट कहते हैं. इट इज़ मेड ऑफ वुड. ये लकड़ी का बना होता है. हाउस बोट आर कॉमनली फाउंड इन कश्मीर और केरला. कि आपको हाउस बोट कहाँ देखने को मिलता है? कश्मीर और केरला में. देखिए, इस टाइप का ये हाउस बोट होता है. नेक्स्ट है टेंट हाउस. अ टेंट हाउस इज मेड ऑफ कैनवास. की जो टेंट हाउस होता है वो किसका बना होता है? कैनवास का. एक कपड़ा होता है उसका बना होता है. इट कैन बी फोल्डेड एंड टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसको आसानी से फोल्ड किया जाता है. कपड़े का बना हुआ होता है, मतलब एक अलग तरह के कपड़े का बना हुआ होता है और इसको आसानी से फोल्ड करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है. अब वो क्या कह रहे हैं? रिफ्यूजिस, नोमेड एक्सेट्रा यूज दिस टाइप ऑफ हाउसेज फ्रॉम कैंपिंग. कि इस तरह के घर का यूज़ अधिकतर रिफ्यूजिस करते हैं. मतलब जैसे आपने देखा भी होगा, जो कैंपिंग करते हैं वो क्या करते हैं? इस तरह के टेंट का यूज़ करते हैं. जो सोल्जर्स होते हैं उनको जब वो कैंपेन करने के लिए बाहर जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, तो वो इसी तरीके के हाउस का यूज़ करते हैं. क्योंकि इनको एक तो प्लेस करना बड़ा इजी होता है और इनको फोल्ड करके हम एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जा सकते हैं. नेक्स्ट है स्पेशल हाउसेस लाइक इग्लू. इग्लू आर मेड ऑफ स्नो. ये किससे बनता है? स्नो से. देखिए ये क्या है? इग्लू. दे हैव डोम शेप रूफ. इसकी जो छत होती है वो कैसी होती है? डोम शेप की, मतलब एक गुम्बद की तरह होती है. एस्किमो लिव इन इग्लू. एस्किमो कहाँ रहते हैं? इग्लू में रहते हैं. देर आर फाउंड इन कोल्ड कंट्रीज. ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ ठंडा इलाका होता है वहाँ पर ऐसे घर मिलते हैं. नेक्स्ट है स्टिल्ट हाउस. स्टिल्ट हाउस क्या होता है? स्टिल्ट हाउस आर मेड ऑफ लॉन्ग पीसीज ऑफ वुड. ये घर कहाँ पर बनाया जाता है? लंबे लंबे लकड़ी के डंडों पर बनाया जाता है या लकड़ी के पीसीस पर बनाया जाता है. दे आर रेज्ड हाई अबाउ द ग्राउंड ऑन पोल्स और पोर्च. कि ये जो घर होता है, ये जो लकड़ी के डंडे होते हैं, ये ग्राउंड से काफ़ी ऊंचाई पर लगाए जाते हैं. दीज हाउसेज आर बिल्ट वेयर फ्लड इज कॉमनली. कि जहाँ पर अधिक मात्रा में बाढ़ आती है वहाँ पर ऐसे घरों का निर्माण किया जाता है. किस लिए? क्योंकि जब बाढ़ आती है तो वो पानी नीचे से निकल जाता है और घर को इतना डैमेज नहीं होता. तो ऐसे घर कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ पर अधिक मात्रा में बाढ़ आती है वहाँ पर ऐसे घर का यूज़ किया जाता है. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.